अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड नमस्ते। वेलकम टू अनदर इंस्पायरिंग एपिसोड 122 ऑफ द लाइमलाइट। वी हैव स्टार्टेड अगेन आवर एंटरप्रेन्योर सीरीज एंड यू नो मी, आई एम द होस्ट। माय नेम इज फरीन ताज एंड आई एम अ वॉइस कोच, पॉडकास्टिंग कोच एंड ऑल्सो एन ऑथर इन द मेकिंग। माई बुक विल बी पब्लिश सून, सो कीप वेटिंग। ओके, नाउ अबाउट टूडेज गेस्ट। We have a very inspiring motivational personality. He is the CEO of ABC International and also International Family Group. And he is author and also a motivational speaker, multi-awardee, and he is also a trainer in soft skills. So listeners and viewers, please welcome our guest, Mr. Akash Babbar. Hello, sir. How are you doing today? Great, ma'am. Great. Awesome. What's about you? I am fine, sir. So, it's really a pleasure to have you on my podcast and videocast. And I thank you so much for making your presence in this show, sir. Thank you, ma'am. You're welcome, sir. So, before, sir, we talk about your journey, आपके journey के बारे में, like जानने से पहले, आप हमारे viewers को बोलें कि आपका introduction, मतलब आप कहाँ से हैं, आप क्या करते हैं? Yes, ma'am. Thank you. So, first of all, मैं आपका धन्यवाद करूँगा क्योंकि मुझे यहाँ पे आने का आपने मौका दिया. So, thank you once again. So, जैसे मेरे बारे में myself आकाश भाबड़, I am an author, international training organizer, CEO of ABCD International, और जैसे मुझे कुछ awards भी मिले हैं by God's grace. और जैसे मैं हम क्या करते हैं कि हम अलग अलग trainings organize करते हैं और उन trainings की वजह से entrepreneurs या जो trainers हैं उनके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड करने की कोशिश करते हैं, उनके बिजनेस को बूस्ट करने की कोशिश करते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे ट्रांसफॉर्म कर सके और अपने बिजनेस में सक्सेस हासिल कर पाए. तो यही हमारा काम है, बिजनेस बूस्टिंग का. दैट इज रियली अमेजिंग सर. एक्चुअली व्यूअर्स, मैंने अपना ट्रेन द ट्रेनर सर्टिफिकेशन एबीसीडी इंटरनेशनल से ही किया था. And then I got an opportunity to be one of the trainers because I started voice coaching. मैं पहले भी 2 months पहले करती थी. Then I started full-fledged with Akash Sir's company, which is ABCD International. And the exposure is amazing. तो अगर आपको train the trainer program करना है या कोई भी चीज़ हो, आप coach हो, trainer, mentor हो, आप वहाँ से आप इनसे कांटेक्ट करके अपना नेटवर्क बढ़ा सकते हैं एंड ये आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, राइट सर? यस डेफिनेटली. ओके सर, एक मैं पहले से पूछना चाहती हूँ, मुझे पता भी है बट मुझे ये इंस्पिरेशनल स्टोरी अपने व्यूअर्स को भी बतानी है. तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि क्या मोटिवेशन था एबीसीडी इंटरनेशनल को स्टार्ट करने का? यस, वेरी गुड क्वेश्चन मैम, थैंक यू फॉर आस्किंग. ये जो स्टोरी है ना थोड़ा लंबा है, एक मैं 5 मिनट लूंगा शायद उसके लिए. तो जैसे मैं जैसे ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना चाहता था, मैं बेसिकली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हूँ. तो बाद में मुझे ये जो प्रोफेशनल ट्रेनिंग्स का मुझे बहुत पैशन था, बहुत अच्छा लगता था कि लोगों के जीवन में हम कुछ वैल्यूज ऐड कर सकते थे. तो बेसिकली अभी मैं रूरल गाँव से हूँ, तो जैसे आपको मालूम है कि फार्मर्स इतने अमीर नहीं होते. तो हम जब भी मैं किसी ट्रेनर के पास जाता था तो अलग अलग ट्रेनर्स थे, उनके जब भी फ्री वेबिनार्स होते थे या वर्कशॉप होते थे पहले ऑनलाइन ऑफलाइन सॉरी, तो वहाँ पे मैं जाता था, उनसे मिलता था और उनके जो प्रोग्राम्स थे मुझे बहुत अच्छा लगता था कि नहीं, मैं ये प्रोग्राम करके लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकता हूँ. तो ऐसा मुझे लगता था. फिर मैं उनसे जाके बोलता था कि सर मुझे आपका ये प्रोग्राम करना है.
मैं जो आपके पैसे हैं वो आपको इंस्टॉलमेंट में दूंगा, या तो मेरे आप चेक रख लीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके दूंगा। पर मुझे ये कोर्स करके अपने आप को ट्रेनिंग इंडस्ट्री में लाना है, और आप अगर एज ए मेंटर कोई होता है तो हम बहुत अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। तो ये मेरा मोटिव था, पर क्या होता था पता नहीं, जब भी कोई डील होनी होती है या कुछ होता था तो वो होता ही नहीं था, मतलब मैं कोर्स ज्वाइन नहीं कर पाता था, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस थे। तो फिर अचानक वो टाइम में लॉकडाउन भी हुआ, और लॉकडाउन के पहले ही एक बार मेरे एक मेंटर है समीर सर करके, तो उनका एक प्रोग्राम था, और मुझे बस व्हाट्सएप पे उसकी डिटेल्स मिली, और एकदम रात के टाइम में, जैसे 10 साढ़े 10 बजे होंगी शायद, और दूसरे दिन वो प्रोग्राम था, और मैंने उनको ऐसे मैसेज किया। मुझे लगा कि जैसे अभी मैसेज करके देखते हैं, हुआ तो हुआ। तो सर को मैंने मैसेज किया, सर ग्रेट इवनिंग, और मुझे आपका प्रोग्राम ज्वाइन करना है। तो उनका तुरंत रिप्लाई आया मुझे, योर सक्सेस इज माई पैशन, तो कल आ जाओ। तो बोला ठीक है, कल बुला रहे, पर अपने पास पैसे ही नहीं है उनको देने के लिए। तो फिर मैंने उनको मैसेज किया, सर कल तो मैं आ जाऊंगा, पर मेरे पास पैसे नहीं है आपका प्रोग्राम ज्वाइन करने के, तो क्या ऐसे पॉसिबिलिटीज है मैं आपको बाद में दूं और आप मुझे अलाउ करेंगे? तो वो दिन मेरे पास टाइम भी था, तो वो एक अच्छी बात थी, इसलिए मैंने पूछ लिया। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आ जाओ, पैसे की कोई ये नहीं है, तुम इम्पोर्टेंट है कि तुम अटेंड करो। तो मैं दूसरे दिन गया, पर थोड़ा डर डर के कैसे अभी ये पैसे मांगेंगे तो क्या लगेगा, पर वो जो मेरे मेंटर है इतने अच्छे कि उन्होंने फिर बाद में मुझे कोर्स होने के बाद भी उन्होंने जल्दी मतलब पूछा ही नहीं पैसे के बारे में। मैंने उनको बताया कि हाँ सर मैं आपके बाद में देता हूँ बाद में देता हूँ, तो ऐसा चला। पर वो जो प्रोग्राम था वो मैंने ऑफलाइन किया, उसके बाद फिर ये जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री की जर्नी और बढ़ गई। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पी श्रीराम करके ट्रेनर थे हमारे, जिनकी वजह से मैं ये ट्रेनिंग इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुआ। और फिर मैं ऐसा चाहता था कि जो मुझे ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े हैं, जैसे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, या तो इतने बड़े बड़े प्रोग्राम जो 1.5 लाख रुपए 2 लाख के होते हैं, तो वो हम अफोर्ड नहीं कर पाते, उसके लिए कुछ सिस्टम नहीं होते, या तो वन टाइम इतने इन्वेस्टमेंट सभी के लिए नहीं पॉसिबल होगा ना। तो फिर हम ये जो जब भी कोरोना स्टार्ट हुआ और एबीसीडी स्टार्ट करने के बाद मैंने ये सोचा कि क्यों ना हम एक ट्रेनर जो प्रोग्राम देता है या एक ट्रेनर का जितना एक्सपीरियंस है, उससे अच्छा है कि हम एक ही साथ अलग अलग 10-15 ट्रेनर से सीखें, मतलब जो भी अपने क्लाइंट्स रहेंगे वो अलग अलग लोगों से सीखेंगे, उनके एक्सपीरियंस को वो सीखेंगे, और फिर वो जो फीस है इतना इन्वेस्टमेंट करने की कोई जरूरत नहीं। अगर हम सीखना चाहते हैं तो उसे कुछ सिस्टम भी क्रिएट होना चाहिए, तो अफोर्डेबल प्रोग्राम्स करेंगे, और जब भी वो जो लोग रहेंगे उनको एक इनकम अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट करेंगे, और उनको कुछ ईएमआई की फैसिलिटीज भी देंगे। और बाय गॉड्स ग्रेस मुझे बहुत अच्छे मेंटर्स मिले और उनका सपोर्ट मिला, उनकी वजह से ही हम ऐसी सिस्टम क्रिएट कर पाए। तो अलग अलग हमारे प्रोग्राम्स, जैसे आपको मालूम है ट्रेन द ट्रेनर है, बिजनेस ट्रेनिंग है, उससे 10-15 ट्रेनर्स होते हैं जो ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं अलग अलग दिन पे, और उनके एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, और प्रोग्राम्स को बहुत अच्छा रिस्पांस भी मिलता है और बहुत अच्छे फीडबैक्स आते हैं, इसलिए हम वो कंटिन्यू भी कर रहे हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स है। यही मोटिव है कि एबीसीडी स्टार्ट करना, तो मेरे लिए या जो भी मेरे जैसे लोग हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, वो लोग इसका बहुत अच्छे से फायदा ले सकते हैं। थैंक यू वेलकम सर. ये एक्चुअली बहुत इंस्पायरिंग है, और जहाँ तक मैंने देखा है आजकल स्पेशली पैंडेमिक में बहुत सारे लोग इनकम का सोचते हैं, पैसों का सोचते हैं, कैसे पैसे आए. मतलब ये हार्ड टाइम है, मगर आपने इस हार्ड टाइम में ये पैसों का नहीं देखा, बट लोगों के लिए वैल्यू और उन्हें कुछ बनाने के लिए नो, अपने आप को कुछ बनने के लिए अपने चांस दिया. ये बहुत कम लोग करते हैं. और जो सिस्टम आप लाए हैं, जैसे मतलब उनके पास पैसे नहीं है बट
आप उन लाइक ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम हो या बिजनेस अपॉर्चुनिटी का जो प्रोग्राम है आप इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं. इट इज वन ऑफ अ काइंड सर एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दिस. यस थैंक यू मैम. और एक बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, जिस लेटेस्ट हमने क्या किया कि जो भी एफिलिएट्स थे हमारे एफिलिएट्स तो ऑलमोस्ट 40 प्लस एफिलिएट्स है, और उनको हमने वो जो हमारा ABCD ऑफ बिजनेस ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें 15 ट्रेनर्स होते हैं नेशनल इंटरनेशनल लेवल के, वो आपको पढ़ाते हैं 3 महीने का कोर्स प्लस इंटर्नशिप, वो एब्सोल्युटली फ्री किया है एज ए वो बर्थडे गिफ्ट था, पर वो फ्री है. तो फ्री देने का इंटेंशन वो अलग था. इंटेंशन ये था कि वो लोग अभी ट्रेनिंग में है या एंटरप्रेनर है, वो अपने आप में थोड़ा वैल्यूज ऐड करे, अपने आप को अच्छा इम्प्रूव करे और अपने बिजनेस को बढ़ाए. बस इसके पीछे यही पर्पस था, नहीं तो ये फ्री देने का भी मतलब नहीं. नहीं तो ऐसे बहुत प्रोग्राम्स होते हैं, पर इम्पोर्टेंट ये है कि वो प्रोग्राम से वो कुछ अपने ही बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं, इसलिए वो प्रोग्राम उनको फ्री किया था. राइट सर, राइट. एंड व्यूअर्स, आई वांट टू से वन थिंग, जो भी प्रोग्राम्स होते हैं इफ इट इज फ्री और पेड इट इज मच मोर वैल्यू. मतलब जो ट्रेनर्स इनके पास हैं दे गिव यू इंफॉर्मेशन मोर देन व्हाट इज टू बी गिवन, राइट. सो यस सर, ट्रेनर्स अमेजिंग है. आई हैव एक्सपीरियंस, मेरा भी बहुत एक्सपीरियंस रहा है. मैंने ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम, बहुत सारे वर्कशॉप भी अटेंड किए, तो अमेजिंग ट्रेनर्स, अमेजिंग मेंटर्स हैं, वन ऑफ अ काइंड. ओके, मेरा सेकेंड क्वेश्चन सर, ये आपका जो बुक है, आपने बुक लिखा हुआ है, तो उस बुक के बारे में आप कुछ बोलूँ, क्योंकि आप ऑथर भी हैं. यस, तो जैसे बुक लिखने का मैं बुक लिखने की भी एक स्टोरी है. ओके, तो एक्चुअली मेरे बहुत ऐसे स्टोरीज है, पर बुक लिखने का क्या था कि जैसे अभी ट्रेनिंग में आना है तो वो टाइम में थोड़ा और क्रेज था कि अगर कोई ट्रेनर है और जैसे अभी मैं एकदम नया था ट्रेनिंग में, तो मैं लोगों के पास या जो एक्सपीरियंस ट्रेनर्स थे उनके पास जाता था, उनको बोलता था कि सर अभी मैं तो नया हूँ, मुझे बिजनेस ट्रेनर या बिजनेस कोच बनना है. तो उसके लिए लोग ऐसे सोच सकते हैं कि भाई ये तो 24-25 साल का लड़का है, ये मुझे बिजनेस सिखाएगा, इसने कभी बिजनेस किया नहीं, या मैंने किया था पर वो ट्रेनिंग बिजनेस या अपने क्लासेस का वो एकदम नॉर्मल बिजनेस होता है, तो वो क्या मुझे बिजनेस सिखाएगा. ऐसे अगर वो बोलेंगे तो सर मेरे पास क्या अथॉरिटी होगी कि मैं उनको कुछ सिखाऊं. तो सिखाने के लिए मेरे पास है बहुत कुछ, पर वो एक्सेप्ट करे मुझे ऐसा कुछ क्या कर सकता हूँ. तो बोले पहले तुम ट्रेनिंग्स करो, वो करो. तो एक और सजेशन उनका ये था कि ऑथर बनो. बोला ऑथर बनना तो ठीक है, तो ऑथर बनने के लिए क्या कर सकते हैं. तो मुझे जो आइडिया था, मैं जो फॉलो करता था, तो वो हैबिट्स का मुझे बहुत अच्छा लगा था. बोले चलो कुछ हम अपने जो हैबिट्स है जिनकी वजह से हम आगे बढ़े हैं, तो उसको ही हम लोगों को शेयर करते हैं. और वो एक्चुअली हैबिट्स को मैंने अपने जीवन में इम्प्लीमेंट किया और मुझे अच्छा रिजल्ट मिलता था. तो वो जो बुक मैंने लिखा है तो मेरे उसमें ज्यादातर एग्जाम्पल्स है, या तो वो फेलियर के एग्जाम्पल है या तो वो सक्सेस के हैं, दोनों भी उसमें ऐड है, ताकि लोगों को पता चले कि हाँ ये अगर हम नहीं करते तो इससे फेलियर भी आ सकता है. सिर्फ सक्सेस के एग्जाम्पल देके तो लोग इतना ये नहीं करते. तो फिर मैंने वो किताब लिखा 20 उस हैबिट्स है उसमें, और वो किताब मैंने सिर्फ 20 दिन में लिखा है, और कोई टाइपराइटर नहीं या किसी से टाइप करके नहीं, सिर्फ मोबाइल पे पूरा टाइप किया है और मोबाइल से ही वर्ड पे उसे कन्वर्ट करके फिर वो अपलोड किया, सभी मैंने खुद किया. तो ये जो चीजें होती है, ये जो बुक लिखने का एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा लगा मुझे. फिर उसे अपलोड करने की भी एक और जर्नी थी, जो अमेजोन पे अपलोड किया, जो डे डिसाइड किया था तो पूरे दिन में, पहले ऐसे तो मतलब वो टाइम में लॉकडाउन भी था और दिन भर में वो कर ही नहीं पाया, कुछ तो ऐसे टेक्निकल इश्यू आया था, और फिर रात में जाके, तो वो जैसे हम बोलते हैं ना गोल सेटिंग का, तो गोल डिसाइड किया था कि 20 हैबिट्स है तो 20 डेज में ही उसे कंप्लीट करना है. तो 20 डेज वो लास्ट हैबिट्स लिख के वो अपलोड किया, और अमेजोन को ऑलमोस्ट 24 आवर्स लगते हैं,
तो वो जो डेट डिसाइड था, तो रात को 11 बजे वो लाइव हुआ, तो 12 बजे से पहले 1 घंटा, तो इतना रिलीफ मिला कि हाँ भाई, अपन जो गोल सेट किया था तो वो टाइम पे वो हुआ, तो यही एक बड़ी बात थी। और ये जो बुक लिखने की जर्नी हुआ से मतलब स्टार्ट हुआ, और दूसरा बुक भी अभी आ रहा है, तो राइटिंग ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है, टाइपिंग भी कंप्लीट है, तो क्वालिटीज के ऊपर वो बुक है। पहला था हैबिट्स के ऊपर, फिर है क्वालिटीज। अगर हमें सक्सेसफुल होना है तो हैबिट्स और क्वालिटीज हमारे अंदर होनी चाहिए, और यही मेरे मेंटर्स की वजह से हम बहुत सारे हैबिट्स को अपने जीवन में लेके आए, क्वालिटीज को लेके आए। कुछ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन से उनसे जुड़ा था, और वहाँ के जो लोग हैं उनके जो क्वालिटीज होते हैं ना, वो बहुत ऑसम होते हैं, और उनसे बहुत कुछ सीखा है। और मैंने वो अपने किताब में भी मेंशन किया है कि वहां से मैं एग्जैक्टली क्या सीखा, और क्यों लोगों को वो ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करना है, क्यों वो इम्पोर्टेंट है क्वालिटीज। और ये जो हैबिट्स वगैरह है, तो वो सिर्फ हैबिट्स के ऊपर मैंने लिखा नहीं है, तो हैबिट्स को कैसे अपने आप में इम्प्लीमेंट करना है, उसे कैसे फॉलो करना है, वो टिप्स और टेक्निक्स जो है, जो मैंने फॉलो की थी, वो उसमें शेयर किया है, ताकि एकदम इजी हो कि वो अप्लाई करे वो अपने लाइफ में। तो यही एक मोटिव था। और एक ऑथर बन गया तो फिर हम एज ए ट्रेनर कोई भी एक्सेप्ट करता है जल्दी, एक उसके पीछे मोटो था, और यही अभी जर्नी कंटिन्यू है। एग्जैक्टली सर, एंड बुक का टाइटल अमेजिंग है, एंड कंटेंट मुझे लगता है श्योरली अमेजिंग होगा। एंड व्यूअर्स, अगर आपको ये बुक खरीदना है तो मैं लिंक ज़रूर दूंगी, कमेंट सेक्शन में आप चेक कर सकते हैं। ओके, माय थर्ड क्वेश्चन ये है सर कि फ्यूचर प्लान्स ABCD इंटरनेशनल के क्या होंगे? फ्यूचर प्लान्स ऑलरेडी हम फ्यूचर प्लानिंग्स रेडी किए हैं, और उसमें क्या है कि हमारा जो मेन विजन क्या है कि लोगों के जीवन में से ना फेलियर को रिड्यूस करना, कम करना, लोगों के जीवन में से फेलियर को कम करना, और उनके जीवन में हैप्पीनेस और सक्सेस को लेके आना। तो फिर हमने क्या मिशन क्या है कि अगले 5 साल में हमें लगभग 4,44,444 पीपल के जीवन में हैप्पीनेस और सक्सेस को लेके आना है। तो ये जो नंबर्स है, नंबर्स के पीछे भी एक अलग मतलब है। तो जैसे हम कोई गोल सेट करते हैं तो थोड़ा इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एक्साइटिंग होना चाहिए, इसलिए वो नंबर्स को थोड़ा अलग किया। तो मेरा बर्थडे 4 है, इसलिए वो 4 4 4 सभी इक्वल रखे हैं। तो वो 4 को कैसे हम जब भी देखते हैं नंबर्स को ना, पूरा फिल्म याद आ जाती है क्या करना है एग्जैक्टली, तो वो ट्रिगर पॉइंट है। और ये जो 4 लाख ऑलमोस्ट 5 लाख लोग हैं, उनके जीवन में सक्सेस और हैप्पीनेस को लाना है, तो ये कैसे हम कर सकते हैं? तो इसके इसलिए वो ABCD इंटरनेशनल का सिस्टम है, जिससे हम लोगों के जीवन में वो लेके आ सकते हैं। और अगर हम देखें तो ये जो 1 साल का प्लान है, तो 1 साल में हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो 100 ट्रेनर्स है, ट्रेनर्स कोचेस है मेंटर्स, उनको हम अपने प्लेटफॉर्म पे लेके आने वाले हैं, और उनको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करेंगे, और ऐसी मेंटरिंग हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करेंगे कि वो अपने आप को या अपने इनकम को वो 10 टाइम्स ग्रो करें। तो ऐसा एक प्लान है, अभी हम जून से स्टार्ट कर रहे हैं। और दूसरी ये बात है कि 222 एंटरप्रेनर्स जो रहेंगे, तो 1 साल में 222 एंटरप्रेनर्स को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड करने वाले हैं, और उनके बिजनेस में ट्रांसफॉर्मेशन लेके आने का प्लानिंग है। और ऐसे बहुत सारे प्लानिंग्स है, पर ये मेजरली हम ट्रेनर्स और एंटरप्रेनर्स पे काम करते हैं। और ऑलमोस्ट हमने 21 वर्कशॉप स्टार्ट किए हैं, तो जो कोचेस ट्रेनर्स होते हैं उनको जो भी प्रोग्राम्स करने होते हैं, सर्टिफिकेशन प्रोग्राम जो उनको ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आना है, तो वो प्रोग्राम्स यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छे ट्रेनर्स होते हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने काम किया है, उनसे सीखने को मिलता है, प्लस मेंटरिंग मिलती है, और प्लस अफोर्डेबल प्रोग्राम्स होते हैं। और यहाँ पे जो सिस्टम है उसके साथ अगर आप कनेक्ट होते हैं तो आपको अर्निंग का अपॉर्चुनिटी भी होता है। तो यहाँ पे सिर्फ इन्वेस्टमेंट करके सर्टिफिकेशन लेके जाना नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा,
कि वो अगर एबीसीडी के साथ जुड़ता है तो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आगे बढ़ने की, ग्रोथ की, तो वो एबीसीडी लेता है, उन्हें प्लेटफॉर्म देता है, वो प्लेटफॉर्म के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं और अपने आप को बेहतर बना सकते हैं, अपने बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं। दैट इज़ अमेजिंग सर, एंड अच्छा, बहुत अच्छा प्लान है आपका, एंड ऑन्टरप्रनर्स और मेंटर्स के लिए तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है ये. यस ओके, ये जो ऑल जो सीरियस क्वेश्चंस होने के बाद मेरे पास एक फन सेगमेंट है आपके लिए. मैं एक यस रैपिड फायर राउंड रखती हूँ जहाँ पे मैं आपको यस 3 रैंडम क्वेश्चन पूछूंगी, उसका जवाब आप एक एक वर्ड में या एक सेंटेंस में दे सकते हैं. ओके ओके। ओके, मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका फेवरेट हॉबी क्या है? फेवरेट हॉबी हाँ सर. प्लेइंग क्रिकेट। ओके नाइस. ओके, अगर आप ट्रेनर या अगर एबीसीडी इंटरनेशनल नहीं होता तो आप क्या होते? एबीसीडी इंटरनेशनल नहीं होते तो मैं एक टीचर होता जो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था। दैट इज अमेजिंग सर, क्योंकि आपका जो वे ऑफ एक्सप्रेसिंग और वे ऑफ टीचिंग है वो बहुत अलग है, और वो इम्पैक्ट करता है लोगों पर. तो यस, आप श्योरली टीचर की तरह भी थैंक बहुत अच्छे रहते. सो माय थर्ड इसमें क्वेश्चन. पहले टीचर ही ओके सही है सर. ओके, मेरा थर्ड क्वेश्चन है कि आप सबसे बेस्ट कॉम्प्लीमेंट आपको रिसेंटली किसी ने दिया है या मिला है? रिसेंटली कॉम्प्लीमेंट्स एक ही बताना है या और बता सकते हैं? आप एक दो? हाँ बोल सकते हैं सर. तो रिसेंटली क्या है ना, जो मेरे पहले मेंटर, मतलब मैं उनको एकदम करीब से जानता हूँ और उनके सजेशंस में एकदम दिल से फॉलो करता हूँ, तो वो मेरे मेंटर्स है और उनका मैं रिसेंटली संडे उनका इंटरव्यू किया था और उन्होंने वो टाइम पे उनके इंटरव्यू में मेरी स्टोरी बताई थी कि हाँ ये आकाश बाबड़ है और ये एक दिन इंटरनेशनल लेवल पे रॉक करने वाला है और अभी भी कर रहा है और करेगा और धमाकेदार रॉक करेगा। तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिलता है और उन्होंने ही मुझे सजेशन दिया था पहले कि अभी ट्रेनिंग में मत करो, तुम्हारे जो अंदर वो जो स्किल्स है वो एक बार बाहर लेके आओ, 2-3 महीने 4 महीने ये करो, इसमें तुम जो भी सक्सेस पाओगे ना तो वो तुम्हें बताने के लिए रहेगा, लोगों को बताने के लिए रहेगा हाँ मैंने ये अचीव किया है, और फिर लोग जाके तुम पे बिलीव करेंगे, ट्रस्ट रखेंगे और फिर तुम लोगों के जीवन में इजीली वैल्यूज लेके आ सकते हो। तो उनके सजेशन को फॉलो करके बहुत अच्छे से हम काम कर रहे हैं और मैं उनको सच में दिल से धन्यवाद देता हूँ कि वो मेरे लिए हमेशा टाइम निकालते हैं और सजेशंस देते हैं। दूसरा ये कि कुछ एबीसीडी के साथ जुड़े ऐसे एक्सपीरियंस लोग हैं और जिनकी हम देखे तो इंडिया में बहुत वैल्यू है, जैसे वो हम बोलते हैं ना कि वो टॉप के लोग होते हैं ऐसे, तो एक प्रदीप सर है और एक लेफ्टिनेंट कर्नल बलदेव सिंह सर है, तो ये जो 2-3 ऐसे लोग हैं जो एकदम एक्सपीरियंस है पर वो हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं, जब भी वो मिलते हैं जो भी प्रोग्राम होता है तो वो हमेशा मोटिवेट करते हैं और उससे लगता है कि हाँ भाई हम जो भी कर रहे हैं सही ट्रैक पे कर रहे हैं, अगर इतने बड़े एक्सपीरियंस लोग इंडिया के टॉप के हैं उनको अगर हम वो हमें कुछ कहते हैं कि हाँ भाई तुम सही ट्रैक पे जा रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा इंस्पिरेशन होता है और हम उसे बहुत अच्छे से प्रेरणा लेके आगे बढ़ सकते हैं। हाँ सर, दैट इज़ अमेजिंग. स्पेशली अगर अपने आप को इम्प्रूव करना है तो आई विल से मेंटर्स ज़रूरी है. मेंटर्स होना ज़रूरी है क्योंकि वो हमें गाइड कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस बहुत काम आ सकता है हमारे लिए. सो यस, तो वो आपका. और एक मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आपको एक सुपर पावर मिलेगा तो वो कौन सा वाला आप सुपर पावर वो आप चाहते हैं? सुपर पावर इन द सेंस सुपर मतलब पावर मतलब कुछ
उड़ने वाला सुपर पावर या इनविजिबल होने वाला सुपर पावर ऐसा? तो इनविजिबल वाला ही लूंगा मैं। ओके, एंड क्यों लेंगे आप सर इनविजिबल पावर? इनविजिबल कैसा है कि हम अगर हाँ मान लीजिए मैं किसी के पास गया हूँ, उसे कुछ ट्रेनिंग्स वगैरह देना है या तो कुछ भी है रैंडम लोअर, अगर उनके लिए कुछ काम करना है और फिर नहीं पसंद आता लोगों को, तो वहां से तुरंत भाग जा सकते हैं ना। हाँ सर, दैट इज रियली फनी एंड वेरी विटी आंसर. ओके, वो ये एंड था और रैपिड फायर राउंड का, एंड आपके आंसर्स बहुत अच्छे थे, फनी भी थे. तो यस, तो हम अपने लास्ट सेगमेंट पे आ रहे हैं. यहाँ पे ये होता है कि आप हमारे व्यूअर्स के लिए कुछ वैल्यूबल एडवाइस दें. एडवाइस आपका जो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है, पर मैं इतना बड़ा भी नहीं हूँ कि मैं आपको कुछ एडवाइस दे सकता हूँ या लोगों को एडवाइस दे सकता हूँ। पर हाँ, मैंने जो देखा है या जो ट्रेनिंग में आया हूँ तो बहुत सारे लोगों से मैं मिला हूँ, और तो उनके जीवन से हम कुछ सीख सकते हैं, तो वो मैं आपको बता सकता हूँ कि अगर जीवन में हमें कुछ आगे बढ़ना है या सक्सेस को पाना है तो जीवन में दो ही बातें हो सकती है, या तो हम फेल हो सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं, या तो सक्सेसफुल हो सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं। तो दोनों चीजों में हमें सीखना तो इम्पोर्टेंट है। तो अगर हम आगे बढ़ते हैं या कुछ अपने को कुछ गोल है अपने कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट है तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर कोई एक दो गोल हमने अचीव कर लिया फिर हम उसमें कंसिस्टेंट नहीं रहे तो फिर वो जैसे हम लक बाय चांस मिला है ऐसा हो जाएगा। उससे अच्छा है कि हम जो चीज करना चाहते हैं एक बार डिसाइड कीजिए, प्रॉपर फोकस कीजिए और उसे कंसिस्टेंटली करते रहिए, चाहे फेलियर आए चाहे सक्सेस आए, सीखना है और आगे बढ़ना है। और कंसिस्टेंट, ये जो मैंने क्वालिटीज का किताब लिखा है पांच, उसमें अलग अलग क्वालिटीज है पर वो क्वालिटीज डिपेंड है कंसिस्टेंसी के ऊपर। तो सबसे पहले मैंने मेंशन भी किया है कि आपको आपके अंदर कंसिस्टेंसी चाहिए। कंसिस्टेंसी होगी तो ही बाकी के जो कुछ आपके जीवन में वैल्यूज है या कुछ हैबिट्स है या जो भी नॉलेज है उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि कंसिस्टेंसी। तो यही मेरा एक कहने का ये है कि आप कंसिस्टेंसी रखेंगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हैं, अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो शायद कुछ भी मिलना मुश्किल है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एडवाइस है सर, कि कंसिस्टेंट होना बहुत मुश्किल है. इट इज लाइक कमिटमेंट टू योर सेल्फ, और वो कमिटमेंट कंसिस्टेंसी के साथ आप गोल के टुवर्ड्स जाना है कि आपको वो गोल हासिल करना है. एंड अगर वो डिसिप्लिन कंसिस्टेंसी नहीं है तो वो आप अपना माइंड डाइवर्ट भी कर सकते हैं आप. हाँ, ये मेरे साथ भी होता है कि कभी कभार मैं कंसिस्टेंट नहीं होती हूँ एंड देन मैं लेजी हो जाती हूँ वो अचीव करने के लिए. हाँ, होगा, बाद में होगा, बट वो नहीं होता. अगर आपको करना है तो आपको रोज करना है या कंसिस्टेंट रहना है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वेरी गुड एडवाइस सर. एंड सर, थैंक थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम, एंड आप यहाँ इंटरव्यू मतलब इस शो पे आए और इतने सारे लाइक यू नो वैल्यूबल थिंग्स आपने हमारे साथ शेयर की. थैंक यू सो मच सर. यस, थैंक यू मैम फॉर इनवाइटिंग। यस, नो प्रॉब्लम सर, थैंक यू सो मच. ओके व्यूअर्स, लिसनर्स, अगर आपको ये इंटरव्यू पसंद आया, आप श्योरली ये इंटरव्यू लाइमलाइट के चैनल पे देख सकते हैं, एंड ये पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल होगा, जैसे कि एंकर पे, स्पॉटिफाई पे और दूसरे पॉडकास्टिंग प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे भी होगा. ओके, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय.